मानसी, आप देख रहे हैं I24 News, और I24 News में आपका स्वागत है। दक्षिण में फिल्मों के भगवान माने जाने वाले रजनीकांत के चाहने वालों के लिए निराशाजनक खबर है। उनकी फिल्म 2.0 अब अगले साल जनवरी नहीं बल्कि अप्रैल महीने में रिलीज होगी, और इसी कारण अक्षय कुमार अब रिपब्लिक डे के मौके पर अपनी फिल्म पैडमैन लेकर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अक्षय कुमार और रजनीकांत की मैग्रम ओपन फिल्म 2.0 रिपब्लिक डे पर रिलीज नहीं होगी। इसका फैसला अगस्त में ही हो चुका था। ये भी तय हो चुका था कि इसकी जगह अक्षय की एक और फिल्म 2.0 रिलीज की जाएगी, जो पहले 2018 के अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। हालांकि तारीखों के इस बदलाव की खबर को कन्फर्म नहीं किया गया था, लेकिन अक्षय कुमार के ट्वीट के बाद इस खबर पर मोहर लग चुकी है। रविवार को अक्षय ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पैडमैन अगले साल 26 जनवरी को सिनेमा घर में आ रही है। अभी 2.0 की रिलीजिंग डेट का ऐलान नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि अप्रैल में रिलीज हो सकती है। 2.0 की रिलीज में देरी होने की वजह इसके VFX का काम बाकी होना बताया जा रहा है। बैडमैन को अक्षय की बेटर हाफ ट्विंकल खन्ना प्रोडक्ट कर रही हैं, जबकि आर बाल्की फिल्म के डायरेक्टर हैं। तारीखों की इस अदला बदली का दिलचस्प पहलू ये है कि 2.0 की रिलीज डेट भी दूसरी बार खिसकाई जा रही है। पहले ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, पर संभवतः अजय देवगन की गोलमाल अगेन और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार से टक्कर टालने के लिए इसे 26 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया था। पैडमैन की टक्कर नीरज पांडे निर्देशित अय्यारी से होगी, जो अगले गणतंत्र दिवस पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और सिद्धांत मल्होत्रा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि पैडमैन अरुणाचलम मुरुगानाथम की कहानी है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पहचान सच्चाई की। इसी के साथ मैं हिमांशी उपाध्याय, Live24 News।